बीपी न्यूज, मैं हूं बनीता मिश्रा। अनंत सिंह अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। आपको बता दें कि AK-47 और कई हथियार जब उनके घर से बरामद हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन अनंत सिंह अपने घर के पिछले दरवाजे से फरार हो गए और अभी तक अनंत सिंह कहाँ है इसकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं है। इसी बीच फरार अनंत सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि वीडियो जारी करते ही पुलिस ने जब उस वीडियो को गौर से देखा और सर्च किया तो वो वीडियो पटना में बनाया गया, पुलिस ने ऐसा दावा किया है। पुलिस ने बताया कि वो वीडियो कंकरबाग के RMS कॉलोनी में बनाया गया है। वीडियो में जो दीवार और जो फर्श दिखाई दे रही है उससे साफ साबित होता है कि वो वीडियो शूट पटना के कंकरबाग के RMS कॉलोनी में शूट किया गया है। आपको बता दें कि जिस मकान में वो वीडियो शूट हुआ है वो अनंत सिंह के एक पहचान वाले का मकान है। पुलिस ने यह दावा किया है कि वो शूट पटना में रहकर अनंत सिंह ने किया है। हालांकि अनंत सिंह ने जो दूसरा वीडियो जारी किया है, पुलिस ने कहा है कि शायद वो पटना का शूट नहीं है, क्योंकि उसमें गाड़ी की आवाज आ रही है और वो शायद किसी रोड पर लाइन होटल में अनंत सिंह ने शूट किया है। पुलिस ने दावा किया है कि उनको ऐसी संभावनाएं थी कि अनंत सिंह मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर देंगे, लेकिन अनंत सिंह की जो हरकतें हैं उससे कहीं से भी साबित नहीं हो रहा है कि अनंत सिंह शायद कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं। तो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पुलिस को सूचनाएं तो मिल रही हैं कि अनंत सिंह कहाँ है, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस के हाथ लगातार खाली हैं और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से अनंत सिंह फरार हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अनंत सिंह को पुलिस कब गिरफ्तार कर पाती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AV न्यूज़।